बीजेपी के नए पते की। बीजेपी का पता कल से बदल जाएगा। करीब 34 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय दफ्तर का पता अब 11 अशोका रोड दिल्ली से शिफ्ट होकर 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग हो जाएगा। 2 इमारतें होंगी इस नए दफ्तर में और पूरी तरीके से इमारत हाईटेक होगी। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पुराना पता 11 अशोका रोड और कल से नया पता होगा 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग। तो ये तस्वीरें, 2 तस्वीरें बीजेपी के पुराने और नए पते की, और इस पूरे दफ्तर में पूरी तरीके से हाईटेक होगा यह दफ्तर, और साथ ही 2 बिल्डिंगें होगी। पहली बिल्डिंग 3 मंजिला इमारत होगी और दूसरी 7 मंजिला। 3 मंजिला इमारत यानी पहली अगर बिल्डिंग की बात करें तो इस भवन में पार्टी अध्यक्ष का कमरा होगा, नेता जो लोकसभा के होंगे उनका, और साथ ही जो राज्यसभा के नेता होंगे उनका कमरा होगा, और इसके साथ ही महासचिवों के कमरे होंगे। ये तस्वीरें, साथ ही कई सारे इसमें ऑडिटोरियम होंगे, कई सारे सभागार होंगे जिसमें मीटिंग्स हो सकती हैं। नए साल के साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी कल अपने नए मुख्यालय में प्रवेश करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बने भारतीय जनता पार्टी के इस नए मुख्यालय का शुभारंभ कल होगा। इस मुख्यालय में 2 अलग अलग भवन है, एक 3 मंजिला भवन है, दूसरी बिल्डिंग 7 मंजिला है, और दोनों बिल्डिंगों में मिलाकर लगभग कुल 70 बड़े बड़े कमरे यहां पर बने हुए हैं। अलग अलग नेताओं के बैठने की अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा के नेता, राज्यसभा के नेताओं के सहित बीजेपी के समस्त पदाधिकारियों के यहां पर कमरे मौजूद हैं। साथ ही साथ इस पूरी बिल्डिंग में 1500 से 2000 गाड़ियों की पार्किंग की अंदरूनी व्यवस्था की गई है। इसी बिल्डिंग के नीचे पार्किंग का इंतजाम किया गया है, और साथ ही साथ 7 से 8 बड़े बड़े वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल भी हैं जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। इसी भवन के दाहिनी ओर और बाईं ओर दोनों तरफ CPWD के बड़े बड़े यहां पर पार्क भी हैं जिनको कि डेवलप किया जा रहा है, और आप सामने की ओर भी देख सकते हैं। जी हां, रोड के उस पार भी CPWD का बड़ा भारी पार्क होगा जिसको कि डेवलप किया जा रहा है। यहां पर बीजेपी के तमाम नेता यहां पर कल मौजूद होंगे, चाहे हम लालकृष्ण आडवाणी की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की बात करें। तो कल का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक होगा जब वो अपने इस नए मुख्यालय में प्रवेश करेगी, जहां से कि 2019 की रणनीति तय होगी। कैमरामैन पिंकी के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो मिशन 2019 से पहले बदलने जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के वॉर रूम का पता। अब 11 अशोका रोड से बदलकर हो जाएगा, अब 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग हो जाएगा। 2 बिल्डिंगें हैं इस नए पते पर, एक है बिल्डिंग 3 मंजिला, दूसरी है 7 मंजिला। इस मुख्यालय में कुल 70 कमरे होंगे, जैसा कि आप अभी रिपोर्ट देख रहे थे हमारे सहयोगी संजय शर्मा की। 3 मंजिला जो इमारत है, उस 3 मंजिला इमारत में पार्टी अध्यक्ष का कमरा होगा, जो लोकसभा के नेता है उनका कमरा होगा, जो राज्यसभा के नेता है उनका कमरा होगा, और करीब 80% हिस्सा, जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, करीब 80% हिस्सा हरियाली से भरपूर है, यानी ग्रीनरी का अच्छा खासा ख्याल रखा गया है। साथ ही कमरों को कुछ इस हिसाब से डिजाइन किया गया है ताकि उसमें भरपूर हवा आती रहे, भरपूर रोशनी आती रहे, बिजली का कम से कम इस्तेमाल हो, बायो टॉयलेट इसमें लगा हुआ है, पूरी तरीके से इको फ्रेंडली भी बनाने की कोशिश की गई है। पहला सामने का फ्रंट ओपन स्पेस है और दूसरा अंदर का कोर्टयार्ड। सुरक्षा को ध्यान में रखकर इमारत में 3 प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। पहला और दूसरा प्रवेश द्वार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के लिए होगा, जबकि तीसरा प्रवेश द्वार मीडिया के लिए होगा। जनता का प्रवेश फ्रंट ओपन स्पेस के बाद बनी सीढ़ियों से होगा। 2 बेसमेंट फ्लोर वाली प्रस्तावित इमारत चरणबद्ध तरीके से बनाई जाएगी। तल मंजिल, फिर पहली मंजिल, फिर दूसरी, तीसरी और इसी तरह 6ठी मंजिल के साथ पूरी इमारत खड़ी हो जाएगी। पूरी इमारत इस तरह डिजाइन की गई है कि पूरे साल इसके अंदरूनी कमरों में भरपूर रोशनी आती रहेगी। यानी अब मिशन 2019 की जंग बीजेपी लड़ेगी अपने इस नए और हाईटेक दफ्तर से। फिलहाल